बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिल तरह मुस्कुराते। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारा, खूबसूरत, क्यूट क्यूट सा आइडिया लेकर आई हूँ। क्रोचेट के ट्राउज़र हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत। एक व्यूअर ने कहा था कि भाजी, हमने आपके चैनल से तमाम क्रोशे वर्क का काम सीख लिया जो कि सीख चुके हैं, अब हमें स्लाइड शो दिखाया करें जिससे हम अपने चॉइस के मुताबिक डिज़ाइनिंग बना सकें। आप इस डिज़ाइनिंग का ट्राउज़र देखें और कलर देखें, इसी तरीके से आप अपना ट्राउज़र तैयार करें। यही मल्टी शेड में आप अपना अपनी शर्ट बना लें। शर्ट पहनेंगी तो खूबसूरत लगेगी, ट्राउज़र भी बहुत ज़बरदस्त और नहायत ही हसीन है। तमाम ट्राउज़र के बारे में आपने ज़रूर हमें बताना। आप एक विवद ने कहा है कि बाजी, हमें आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मेरी आवाज़ बहुत भारी है। मैं वैसे ही अपने बड़े बुजुर्गों की कुछ छोटी छोटी बातें वो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हमें सिखाया, हमें आगे भी दूसरों को सिखाना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया था कि जब हमारे यहाँ गंदम आए तो गंदम सबसे पहले हमें गंदम पर न्याज दिलवानी चाहिए, और न्याज दिलवा कर गरीबों का हिस्सा निकाल कर गरीबों को तकसीम कर देना चाहिए, फिर हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई फल आए, आम आए, तरबूज आए, खाने का कोई भी फल पहली मरतबा जब आ जाए तो आप ऐसे करें, सबसे पहले उस फल को कटिंग करें, दस्तरखान बिछाएं, तमाम लोगों को बिछाएं। अगर आप तरबूज ले आए तो उसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, आप इतना बड़ा तरबूज लाएँ ताकि पहली मरतबा हमारे पोत जो शुद्धगान हैं उनकी रूह को भी असाले से आप पहुँचाएँ, उनको भी दुआ दें, उनकी उनको भी शामिल करें। क्योंकि तरबूज को कटिंग करें, कटिंग करके कुरान पाक की तिलावत करें, कर कर दुआ करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक आपने तरबूज इतनी बड़ी नेमत बनाई। देखें इसका कलर सुरख है, देखो बाहर से ये सबज है, और खाने में इसकी मिठास देखो कितनी है। तो उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, एक बार क्या करोड़ बार भी करेंगे तो कम है, क्योंकि वो सब लोगों में तकसीम कर कर खाया करें। ऐसे अगर आप हर रोज़ हर खाने से थोड़ा थोड़ा खाना अपने दूसरे अजीज रिश्तेदारों को उसमें से तकसीम करेंगे तो आपके खाने में बरकत होगी। अल्लाह ताला जब हमें खाना देता है तो किसी को मेहमान भेजता है तो उसका खाना हमारे खाने में शामिल कर देता है कि वो मेहमान आएगा तो वो खाना खाएगा। तो हमें अपने बच्चों से शेयरिंग करनी चाहिए, हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमें सुबह सवेरे जब हम लंच देते हैं अपने बच्चों को तो उनको दो अंडे बनाकर देते हैं और दो पराठे। बेटा ये आप जब स्कूल में बैठकर खाएं तो जो दोस्त हैं बेचारे आप देखते हैं मुंह एक दूसरे को, जो नहीं लेकर आए उनको अपने साथ बिठाकर सब मिलजुल के खाया करो, और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, एक दूसरे से शेयरिंग करके किया करो। जब उन्हें खर्ची दें कि आप स्कूल के लिए खर्ची लेकर जाएँ, तो अगर आपने 20 रुपये दिए तो उनको आपने ये कहना है 10 रुपये आपने दो अपने किसी दोस्त को भी देने हैं खर्ची के लिए। अगर दोस्त को नहीं देने, किसी को अल्लाह के नाम पर दे दें। कोई ज़रूरतमंद है, अगर किसी को पेंसिल की ज़रूरत है पेंसिल खरीद दें, किसी को भी शॉपनर की ज़रूरत है शॉपनर खरीद के दे दें, नहीं तो अल्लाह के नाम पर मस्जिद के गले में डाल दें, आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। हम बचपन से यही कुछ देखते आ रहे थे, अब बड़े हो गए तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि हमारी सोच से बढ़ के हमारे बच्चे भी यही सोचते हैं, पहले हम बाद में खाएँ, पहले हम मेहमान को पूरा करें। जब कोई मेहमान आता है सबसे पहले हमारे बच्चे पूछते हैं कि पानी लेकर आऊँ, पानी पिलाना भी बहुत बड़ा सवाब है। पानी पिलाने के बाद पूछते हैं कि मम्मा इनको खाना खिलाएं, इनको चाय पिलाएं, इनको करें, ये बहुत अच्छी बात है। जिन घरों में इन चीज़ों का इत्माम है उन घरों में बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है, और खैर और बरकत इतनी है कि देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं। हमारे भाई मोहतरम बेचारे 5 माशाल्लाह हैं, एक उनमें से वफात पा गया, उनका एक ही कारोबार है सारों का, एक ही जगह खर्च है, हर तरह की वैरायटी है उनके पास, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ने अता की। हर माह वो पूरी लोगों को राशन तकसीम करते हैं, हर माह की 10 तारीख को वो 11 दिन मनाते हैं, जुमे रात को नियाज करते हैं, गरीबों का भला करते हैं, बकरे अल्लाह के नाम पर देकर गरीबों के घर सालन बनवाते हैं, पूरे रमज़ान मस्जिद में अफ्तारी के लिए खाना बनवाते हैं, और पूरे रमज़ान लोगों को रोज़ अफ्तारी करवाते हैं।
देखो कितनी बड़ी बड़ी नेकी के काम देखते हैं, तो हमें भी अल्लाह ताला नेकी के रास्ते पे लगा ले, हमें सीधे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक से मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ स्लाइड शो, पर बात मैं आपको सच्चा खरी बता रही हूँ, क्योंकि आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि बाजी आप तो हमें स्लाइड शो दिखा रही हैं और बातें आप अल्लाह की कर रही हैं। अल्लाह की बातें तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घरेलू बातें तो सारी ज़िंदगी होती रहती हैं और होते रहते हैं। अगर कोई आपके साथ रिक्शे में बैठकर आपके साथ कोई जाए, अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है तो आप उसका किराया भर सकते हैं। अगर आप उसका किराया भर सकते हैं तो आप उसे ज़रूर भरें, ये ना कहें कि आप अपना किराया दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमारा कोई रिश्तेदार बहुत ज़्यादा बेचारा ऐसा होता है गरीब, वो जुबान से तो नहीं कह सकता, हमें खुद समझ आनी चाहिए उनकी हर बात की कि ये कितना मजबूर और बेबस है, या हमारे साथ जाना चाहता है, शायद इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको पूछनी चाहिए। जब ईद आती है तो ईद पर भी अपने रिश्तेदार अजीज़ों से मालूम करना चाहिए रमज़ान में आपको रोज़ा अफ्तारी के लिए क्या चाहिए। सब लोग के घरों में रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के लिए पूरा पूरा राशन भिजवाया जाता है हमारी तरफ से, इसलिए कि तमाम लोग रमज़ान में रोज़ा रखें, और दूध के पैकेट भी उसमें दिए जाते हैं ताकि वो चाय बनाकर भी पी सकें, दूध सोडा पीना चाहें तो दूध सोडा भी पी सकें। यह अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, ये सब अल्लाह ताला ने खुद सिखाया, इसलिए उनको देख देख कर हमें भी अल्लाह ताला ने अकल दे दिया। अब हमारे छोटे बच्चे हैं जो, वो भी यही कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ कहते हैं कि मम्मा मुझे 50 रुपये दे दो। हम पूछते हैं कि क्या करना बेटा, कहते हैं मम्मा इसमें से 25 रुपये मैं खाऊंगा, 25 रुपये मैं मस्जिद के गले में डाल के आऊँगा। तो कभी कभी कहता है मम्मा मेरा दोस्त जो है ना उसके पास बुक्स नहीं है, उसको बुक्स लेके देनी है, कभी कापी लेके देनी है, कभी पेंसिल लेके देनी है। मैं कहती बेटा आप तो बहुत अच्छे हो, अल्लाह ताला तो आपको इतना अमीर और दौलतमंद बना देगा, तो आप लोगों की खिदमत करेंगे। देखो लोगों की खिदमत करने से कितने बड़े बड़े अजर मिल जाते हैं, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजता कि हमारी सोच से बढ़ के। आप लोगों से गुजारिश है, अब आम चलने वाले हैं, जब आम चलें तो सबसे पहले आप अल्लाह के नाम पर दिया करें, गरीबों में तकसीम किया करें, जो भी फल आपको बहुत अच्छा लगे सबसे पहले तकसीम कर कर फिर आप खाया करें, आपको भी बरकत होगी, आपके घर में भी, और कभी नज़र टोक नहीं होगी, अल्लाह ताला नज़र टोक से भी बचाएगा। जब दूसरों को बांट कर खाते हैं तो बरकत भी बहुत ज़्यादा आती है, और वो भी आप इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग देखें, मैंने तो आपको अपने दीन की तरफ लगाकर दीन की बातों में लग गई हूँ, ये नहीं बताया कि ट्राउज़रों की डिज़ाइनिंग कितनी ज़बरदस्त है, आपकी च्वाइस के मुताबिक दिखाइए। देखो आप कुरेशे वर्क का काम तो सीख चुकी हैं, आप ये देखें कितने कलर की टुकड़ियाँ बनाई, बनाने के बाद ये कुरेशे से जोड़ी हैं, जोड़ने के बाद ट्राउज़र देखें कितना खूबसूरत लग रहा। इसके साथ आपने शर्ट पहननी है कोई भी, जो आपका दिल चाहे, इनमें कलर जोन जोन से आपने लगाए हैं उन्हीं कलरों की आप शर्ट भी पहन सकती हैं, आप इनके साथ टॉप भी पहन सकती हैं, फ्रॉक भी पहन सकती हैं, शर्ट भी पहन सकती हैं। ये बेल बॉटम, वो आपकी अपनी ख्वाहिश है, बेल बॉटम पहने या टाइट पहने या आप खुले पाइचे का पहने, ये सब बच्चों के अपना अपना शौक़ होता है, हर बच्ची का मुख्तलिफ शौक़ होता है, कोई बच्ची बहुत ज़्यादा खुले पाइचों का पहनती है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम टाइट पहने, ये अपनी अपनी च्वाइस है, किसी पर किसी का जोर नहीं, ना था ज़बरदस्ती ना था किसी को रोक टोक करनी चाहिए, जिस बच्ची का जो दिल चाह रहा खुशी खुशी करे, और उसको कहो शाबाश अच्छा है आप अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा काम करने की हदायत भी दिया करें, अच्छा काम करने वालों को खुश भी होया करें, और ये भी कहा करें कि हमेशा अच्छा काम करें, बड़ों का कहना माने, बच्चों से प्यार करें, हर एक के काम आए, छोटी छोटी नेकियां करके सदका जारिया करती रहा करें। जब भी आप किसी मस्जिद के पास से गुजरें, मस्जिद में घुसकर देखें कि मस्जिद में आपके कैप तो नहीं, कोई मैली पड़ी हुई है गंदी है, तो आप फ़ौरन से पहले सरफ से उनको वाश कर कर धोकर सुखा दें। कूलर देखें, अगर गंदा है तो उसको फ़ौरन धोकर बर्फ़ डालकर पानी उसका तैयार कर दें। अगर मस्जिद में गिलास नहीं तो आप 2 कांच के गिलास खरीद के रख दें, नहीं 2 कांच के तो स्टील के खरीद कर रख दें, ताकि लोग पानी पिएं सवाब मिले। आप नेकी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम स्लाइड शो तो दिखा रहे हैं हर किस्म के,
जो आप स्लाइड शो हमारे चैनल पर देखना चाहती हैं हम वही दिखाते हैं। हमने अपने चैनल पर आपको स्लाइड शो के अंदर टॉप दिखाई हैं जो कि गरारी लहंगे पे सब पे पहने जाते हैं। टॉप भी बड़े ज़बरदस्त हैं और ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग तो मैंने अपनी वीवर्स की चॉइस पे दिखाई है क्योंकि इससे पहले नहीं दिखाई थी। एक वीडियो चंद दिन पहले मैंने एक लगाई थी वो देख कर उन्होंने फरमाइश की कि बाजी हमें ट्राउज़र दिखा दें। हमें आपके ट्राउज़र की वीडियो देख कर बड़ा दिल खुश हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर ने उसी तरीके से एक ट्राउज़र तैयार किया। तैयार कर कर मेरा भी दिल चाह मैं भी इसी किस्म का ट्राउज़र तैयार करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हाथ से ट्राउज़र तैयार करके किसी को गिफ्ट दिया जाए तो वह गिफ्ट लेने वाला बहुत खुश होता है और पहनता है तब भी याद करता और कहता ये मेरी फलां दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट बना कर दिया। बच्चियों को हमेशा मेहनत से काम करते रहना चाहिए, काम चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई हुनर हाथ में होना चाहिए क्योंकि ससुराल में जाके परेशानी ना उठानी पड़े। अपने हुनर से अपनी अर्निंग कमा कर अपनी ज़रूरियात पूरी करें। सबसे अच्छी अर्निंग कमाने का ज़रिया यह है, मैं आपको बताती हूँ, सिलाई कटाई बुनाई का काम बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि निटिंग का काम सीख लें, सिलाई का काम सीख लें। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बच्चियों को सिखाती हूँ, 4 ड्रेस हम आसानी से सी सकते हैं जिसकी अर्निंग अच्छी खासी है। हम अपने दिन में खर्च भी कर सकते हैं, गरीबों का भी भला कर सकते हैं, नेकी भी कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है, बरकत भी है। सिलाई के काम में जो बरकत है, सिलाई के काम में, नीटिंग के काम में, क्रोशिया वर्क के काम में, चार सूती के काम में, कोई काम ऐसा नहीं है दुनिया में जो माँ से करें उसमें बरकत ना। आपको अगर ये हमारे ट्राउज़र पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैंने आपको एक मरतबा भी नहीं कहा कि मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आपको आज के ट्राउज़र लगे, इसलिए क्योंकि मैं दीन की तरफ लग गई थी, छोटी छोटी बातें बताने लग गई थी सदका जारिया की नीयत से। क्योंकि हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि हमें सदका जारिया की नीयत से पूरा स्लाइड शो अच्छी अच्छी बातों से बता